देख सकते हैं आप लोग हमारे ढोल वादन के बांध देते हुए, जो आप लोग यहाँ पे मेरे दीदी का मुस्कुराता भाव पल मैं आप लोगों को अभी दिखा रहा हूँ। साथियों पार्ट वन में मैंने आप लोगों को दिखाया यहाँ पर मैं अपनी दीदी की शादी में आया था और यहाँ पर जो भी था मेहंदी सेरेमनी से लेके रात की पार्टी से लेके नाच गाना और कीर्तन मंडली जो भी था सब कुछ मैंने आप लोगों को पार्ट वन में दिखाया। और मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर मेरी दीदी की शादी है मौसी की लड़की की और खोला कड़ा कोट टीटी जनपद गाँव में मैं हूँ अभी। और यहाँ पर साथियों किस तरीके से वो भव्य आयोजन था यहाँ पर मेहंदी की रात थी और पहाड़ों में इस तरीके से आयोजन हो सकते हैं वो यहाँ पर दिखाया मैंने आप लोगों को। और साथियों अब मैं पार्ट टू लेके आया हूँ, तो अगर आप लोगों ने पार्ट वन अभी तक नहीं देखा तो पहले जाइए और उसको देखिए और फिर हम लोग आज पार्ट टू में देखने वाले हैं यहाँ पर बांध होने वाले हैं पहाड़ों में बांध किस तरीके से होते हैं और उसके बाद रात को बारात आएगी तो शानदार वहाँ पर स्वागत बारातियों का किया जाएगा तो वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप लोग चैनल में पुराने हो तो ऐसे जैसे आप लोग मेरी वीडियोज़ को अपना प्यार देते वैसा प्यार देते रहिए। और अगर आप लोग चैनल में अभी पहली बार जुड़ रहे हो, पहली बार मेरी कोई वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि पहाड़ों से रिलेटेड मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। और साथियों चलो अब स्टार्ट यहीं से करते हैं। तो हेलो साथियों, मैं पंकज डुंगरियाल पहाड़ों की हसीन वादियों से स्वागत करता हूं आपका पहाड़ी मंच ब्रेकिंग है में। तो पार्ट टू में आज की जो रौनक यहां शादी में है वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। और रात को फिर से जो पिछली रात में एक तो मैं आप लोगों को एक शानदार आयोजन तो मेरी तरफ से था वो मैं दिखा चुका हूं और आज भी कुछ और अच्छा है तो वो आप लोगों को आज इस वीडियो के माध्यम से दिखाया जाएगा। तो चलिए पार्ट टू की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ले जाता हूँ दीदी की ओर। दीदी बैठी है पूजा में जहाँ हो रही है मंगल स्नान से पहले की पूजा, ये देख सकते हैं आप लोग। तो साथियों पूजा पूरी हो चुकी है और यहाँ पर हो चुकी है मंगल स्नान की तैयारी और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग हमारे ढोल वादक, हमारे गांव के ढोल वादक यहाँ पर मधुर धुन बजाते हुए ढोल दमों की और इन्हीं के बीच होंगे यहाँ पर मंगल स्नान। बारी का इंतजार करते हैं सभी लोग एकदम लाइन से और यहाँ पर हमारे जो जिनकी फोटोग्राफी आप लोग यहाँ देख रहे हो ये भाई सारे कनिका फोटो स्टूडियो सिन्नर गढ़वाल से आए, हम लोग इनकी फोटोग्राफी का यहाँ पे सेवाएं ले रहे हैं और यहाँ पे इनकी दीदी के मान आप लोग देख सकते हैं। पहाड़ी ढोल दमों की धुन भी है और इसी के बीच आप लोग यहाँ पे मेरी दीदी का मुस्कुराता हुआ चेहरा भी देख सकते हैं, ये हमारा भाई। और देख सकते हैं आप लोग सभी लोग यहाँ पर बारी बारी करके पान देते हुए जो हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता है और उसका अनुसरण करते हुए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और साथ में दीदी के सर के ऊपर से चद्दर जिन्होंने उड़ाया उन भाइयों को आप लोग देख सकते हैं। तो काफ़ी कठिन काम है ये इस तरीके से लगातार खड़े रहना एंड 9 मीटर चैनल में। कितनी सुंदर यहाँ पर सभी लोग दिख रहे हैं और यहाँ पर सभी लोग बांध देने की प्रतीक्षा में और भाई लोगों को देखिए। सभी अपने सारे श्रृंगार में एकदम नतमंडी के साथ सज चुके हैं और बांध देते हुए प्यारे प्यारे लगते हुए सभी अपने श्रृंगार में नतमंडिका में यहाँ पे सभी लोग सजे धजे। और ये देखिए मेरी मौसी और ये मेरी दीदी कितने प्यारे नतमंडिका में लग रहे हैं और गुलाबंद भी है साथ में। तो
हमारी संस्कृति हमारी पहचान यहाँ पर बूढ़ी लोग मेरी यहाँ पे सभी हमारे रिश्तेदारों से लेके हमारी माताएं बहनें जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं सभी लोग यहाँ पे बांध दे रहे हैं। और साथ यहाँ वो पता है कि बांध में यहाँ पे हल्दी और चावल का मिश्रण और सुमया वगैरह पता नहीं क्या क्या होता है जिसका यहाँ पर बांध दिए जाते हैं ताकि दुल्हन पे निखार आ जाए, ऐसा कुछ है। और ये है हमारी दादी। साथियों सबसे भाव पल मैं आप लोगों को अभी दिखा रहा हूँ, इससे भाव कुछ नहीं हो सकता। तो साथियों मैंने भी बांध दे दिए है और अब आ गया है भाइयों का नंबर, तो सभी ये भाई अपनी बहन के लिए प्यार दिखाते हुए देख सकते हैं आप लोग। और अब अंत में लग रहा है सभी चीज़ों का मिश्रण एक साथ, ये देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर सभी देखिए सुंदर परिधान में हमारी पहाड़ी महिलाएं, देखिए सभी लोग बन गए। स्नान पूरा हो चुका है और दीदी जब तक तैयार होती है साथियों, तो यहाँ पे सुंदर डांस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं महिला शक्ति का और शानदार ढोल दमों की धुन यहाँ पर बजती हुई पहाड़ी। और यहाँ पर झूम चुकी है सारी महिला शक्ति और देखिए मंडा। यहाँ पे इन दृश्यों का मनोरंजन लेते हुए और साथ ही यहाँ पे दीदी हो चुकी है तैयार और अब आरती यहाँ पर होगी। दीदी है दुल्हन के वेश में और मेरी मौसा जी और मौसी यहाँ पर आरती करते हुए। आरती के बाद हमारे यहाँ पैसों की माला डालने का रिवाज है, तो वो ये सबसे पहले मौसा जी ने माला डाल दी है। उसके बाद अब यहाँ पर कुछ गांव वाले भी माला डालते हैं, तो वो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। इस तरीके से यहाँ पे पैसों की माला हमारे गांव में दुल्हा दुल्हन पे प्रायः पड़ती है। और मेरे मामा जी साथियों और यहाँ पे दुल्हन को उठाने का रिवाज मामा जी का होता है, तो यहाँ पर मामा जी और भैया चली गई, ये दुल्हन चले गई तैयार होके। और यहाँ पे मंगल स्नान पूरा साथियों, और यहाँ पर सभी लोग अब दिन का खाना खाते हुए सभी महिलाओं के लिए जिन्होंने मंगल स्नान में जो यहाँ पे आए थे बांधे ने। तो साथियों सुंदर पहाड़ी ढोल दमों की धुन के साथ यहाँ पर मंगल स्नान दिन का पूरा हो चुका है। हल्दी आद हम जिसे कहते हैं, हल्दी आज पूरा हो चुका है, मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया। और सुंदर परिधान में हमारी सारी महिला शक्ति यहाँ पर आप लोगों ने देखा, सारे पीले कपड़ों में, तो जो बहुत ही शानदार दिख रही है, उनका डांस मैंने आप लोगों को दिखाया। अब शाम का जो प्रोग्राम होगा वो आप लोगों को दिखाया जाएगा, तब तक बने रहे मेरे साथ। राम राम भाई जी, राम राम जी।
शाहजहाँपुरा यहाँ पर तैयारी हो चुकी है और बारात भी लगभग पहुँचने वाली है। आप लोगों को बता दूँ बारात आ रही है देहरादून से और यहाँ पर खोला कड़ा कोर्ट में बारात आने वाली है। तो हम लोग भी सज-धज के तैयार एकदम, बारात का स्वागत अब हम लोग करेंगे। और उससे पहले मैंने आप लोगों को यहाँ पे नज़ारा दिखाया, अब उसके बाद अब जो वैवाहिक कार्यक्रम यहाँ पर होंगे सारे वीडियो के माध्यम से दिखाया जाएगा। और साथियों मैं भी तैयार हो गया हूँ एकदम से और आई होप आप लोगों को मैं अच्छा लग रहा हूँ, अच्छा लग रहा हूँ ना वैसे। चलो एक बार मैं आपको अपना पूरा गेटअप दिखा लेता हूँ, तो ज़रूर कमेंट करना कैसे मैं लग रहा हूँ, ठीक है। मौसा जी हेलो, ये बार हेलो, और मेरे मौसा जी जिनकी देख रेख में सारा भव्य आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। एक बार धन्यवाद करता हूँ मैं मौसा जी का, बहुत बहुत धन्यवाद कि मौसा जी की वजह से हम लोगों को यहाँ पर पहाड़ों में शानदार ये इस तरीके से खाना पीना डेकोरेशन या फिर जो भी यहाँ पर जो कुछ भी है यहाँ पर ये सब देखने का मौका मिला, तो मौसा जी का धन्यवाद। और यहाँ पर सभी बच्चे देखिए मिक्की माउस के साथ व्यस्त है नाचने का। आगे मैं फिर से आप लोगों को दीदी की तरफ, और यहाँ पे दीदी हो चुकी है तैयार और सुंदर यहाँ पे दुल्हन के वेश में लगती हुई स्माइल दीदी, ये और यहाँ पर फोटो शूट चलता हुआ और लगभग बारात भी आने वाली है और दीदी भी तैयार होके सज है यहाँ पे। और कमेंट करके बताइए मेरी दीदी कैसे लग रही है साथियों, और सभी भाई लोग यहाँ पे गमछा डाले हुए बारात के स्वागत में। साथियों हम लोग गमछा पहनेंगे और इसके बाद हम लोग बारात में स्वागत करने वाले हैं गमछा पहन के, तो सारे साथी अच्छे लग रहे हैं गमछा पहन के, तो मैं भी पहन लेता हूँ। हाँ भाई यार मैं भी पहन लेता हूँ, जैसे खड़े मत लो फोटो नहीं आ रही, हाँ ये है मुझे और सभी गमछा धारी, ये हेलो, और हमारे मौसा जी वन मैन आर्मी रॉयल मैन, ये राजा और देखिए बारातियों का इंतजार करते हुए सभी हमारे गांव के लोग और यहां पर उनके स्वागत की तैयारी में सभी लोग, तो जल्द बस बारात आने वाली है यहां पे और उसके बाद हम लोग भव्य स्वागत उनका करने वाले हैं। मामा जी भी है, ये मामा जी हेलो, बारातियों का स्वागत। पहुँच चुका हूँ गेट पे, देखिए ये और सभी स्वागत करने के लिए कर दो सबके साथ, ये तो सभी लोग तैयार है साथियों यहाँ पे भारत का स्वागत करने के लिए, देर है तो यहाँ पे दुल्हे राजे के आने की और उसके बाद यहाँ पर बाकी वैवाहिक कार्यक्रम होने वाले जो आप लोगों को दिखाई जाएंगे। सब लोग बिल्कुल सज-धज के तैयार है और सभी लोग सुहाना सुहाना है और जब तक बारात आ रही है और ये रंगमत है यहाँ पे खुद ही नाचते हुए और आप लोगों को इनका डांस दिखाने वाला हूँ और खुद भी नाचने वाला हूँ। तो पटारू में लड़ियों की आवाज़ सुनिए साथियों, तो इसका मतलब यहाँ पे बारात पहुँच चुकी है हमारे गेट पे और यहाँ पर खतरनाक पटाखे यहाँ पे जलते हुए। तो साथियों यहाँ पे पटाखों के उजालों के बीच पहुँच चुकी है बारात। और झूमते नाचते हुए बराती ये देखिए जरा झूमने वाले हैं, तो बारात सच है हमारे द्वार पे और उसके साथ हासारी हमारी पहनने लगी है गेट पे और अपनी जेब गर्म करने वाली है आज ये। Yeah.
और अब ले जाता मैं आप लोगों को दूल्हे राजा की तरफ। और ये हमारे दूल्हे राजा ये है, ये भी देखिए जिज्जू हमारे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप गर्मा गर्मी बढ़ चुकी है अभी फिलहाल यहाँ पर प्रदेश अखबार पे, और अखबार पाल भी कह रहे हैं हम भी कुछ दो, और उसके पीछे है फिर बहनों की लाइन। तो आज काफ़ी जेब ढीली होने वाली है बरातियों की और गर्म होने वाली है गरातियों की। तगड़े पैसों की डिमांड यहाँ पे लग रही है और देखिए ये खुश हो चुके ये लोग, इनकी मनमानी तो हो गई है बाद में, अब बहनों की बात। तो सभी हमारे रिश्तेदार यहाँ पर स्वागत की तैयारी में साथी हूँ, और गेट पे जो पहले से प्रथाएं चली आ रही है पैसे दे के अंदर जाना पड़ता है, तो यहाँ पर हो गया। पूरे नाच गाने के साथ यहाँ पर बारात पहुँच चुकी है साथियों, और यहाँ पर आप चिंता मंडार देख सकते हैं। एलईडी पे चल रहा है दीदी का शो, और यहाँ पर बैठ चुके हैं सभी बाराती। तो एक बार सभी लोगों की तरफ से मैं बारातियों को यहाँ पर इस वेडिंग हॉल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सभी हमारे यहाँ पर कैटरिंग वाले लग चुके हैं बारातियों के स्वागत में। मेरे मौसा जी यहाँ पर मेहमानों का वेलकम करते हुए, और यहाँ पर बैठे हैं हमारे सभी घराती लोग, और इसके बगल पे है सभी बराती लोग, तो साथ में दोनों तो यहाँ पर शादी का मजा लेते हुए। और मैं आप लोगों को ले जा रहा हूँ दीदी तरफ फिर से, और यहाँ पर दीदी हो चुकी है मेरी तैयार, और बस अब जयमाला की तैयारी यहाँ पर। और दीदी के अगल बगल देखिए सारी बहनें ऐसे चिपकी है जैसे कि पता नहीं आज भपका होने वाला है साथियों। और हौले हौले बढ़ते हुए कदम अब जयमाला की तरफ।
तो फाइनली दोस्तों अब है जयमाला की यहाँ पर तैयारी और दीदी जी जी के हाथों में आ गई है जयमाला और अब दोनों तो ढेर सारी शुभकामनाएं दीदी जी जी को। तो आप लोग भी दीजिए साथ कमेंट बॉक्स में। यहाँ चल रहा है साथियों फोटो शूट और मैं आप लोगों को ले जाता हूँ तब तक जब तक यहाँ फोटो शूट चलता है खाने की तरफ। ये देखिए यहाँ पर खाना एकदम गर्मा गर्म तैयार है और सभी बाराती यहाँ पर कुछ बैठ चुके हैं कुछ अब आने वाले हैं। मुबारक हो फॉर माय दीदी एंड जीजू एंड आई होप यू विल ऑल एंजॉय दिस सॉन्ग बाय लेट्स प्ले। तो साथियों जयमाला भी हो चुकी है और नाच गाना भी हो चुका है। अब थोड़ा यहाँ पे फेरों की तैयारी इसके बाद और थोड़ा यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। तो दीदी और एक बार पुनः उन दोनों को शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और साथ जो सभी वैवाहिक जो यहाँ पे कार्यक्रम थे वो सारे हो चुके हैं और यहाँ पर अब गायदान हो रहा है। उसके बाद गायदान के बाद विदाई होगी तो डोली विदाई है। तो बस अब ये कुछ ही लंबे और जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ पूरी रात भर सो के देखो आँख कैसे हो गई, सोए भी नहीं अभी तक ढंग से। और जो चीज़ कुछ चीज़ शायद से फिर दिखा नहीं पाया मैं ढंग से क्योंकि उस समय थोड़ी सो गया था, मेरे फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया था, पूरे दिन भर ब्लॉग बन रहे। थोड़े बहुत गायदान डोली विदाई है ये बचा है, मैं इसको आप लोगों को जितना हो सके उतना दिखाने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे अभी सुबह का नाश्ता हो रहा है सबसे पहले। तो नाश्ते की तरफ मैं पहुंचा हूं और यहां पर सभी लोग नाश्ता करते हुए गर्मा गर्म और नीचे चल रहे हैं गायदान। तो गायदान की तरफ मैं आप लोगों को अब ले जाने वाला हूं। अब दूसरे फ्लोर में मैं आप लोगों को ले जा रहा हूं। हेलो, अब दूसरे फ्लोर में मैं आप लोगों को ले जा रहा हूं जहां हो रहा है गायदान और यहां पे गायदान की रस्म चलती हुई। तो ये देख सकते हैं साथियों आप लोग यहाँ पर पिठाई लिफाफे और माला गायदान में हमारे पहाड़ों में रिवाज ऐसा। साथियों देख सकते हैं आप लोग डोली भी पूरी सज चुकी है और जो हमारे पुराने रीति रिवाज है डोली में बैठा कर दुल्हन को विदा किया जाता है तो ये डोली सज चुकी है और इसमें बैठ के अब दीदी को विदा किया जाएगा। और यहाँ पर जो हमारे गांव में रीति रिवाज है पैसों की माला डालने का तो पैसों की माला बह रही है गला दुल्हन पे, फुल गला भर चुका है दोनों का। तो मतलब दूर दूर से लोग मतलब जितने रिश्तेदार हैं गांव वाले हैं जो भी है यहाँ पर अपनी श्रद्धा अनुसार आते हैं और एक एक माला एक दुल्हन पे जितनी जिसकी श्रद्धा डालने की 100, 200, 500, 1000 तो यहाँ पर डाली जाती है आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पहाड़ों में रिवाज। हेलो हैंगओवर और यहाँ पर अपने समझियों के साथ गुफ्तगु करते हुए मौसा जी और पापा तो समझी उनके मतलब जिया जी के पिताजी और चाचा जी लोग पार्टी इंजॉय करने के लिए। थैंक यू
तो एक झलकी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ साथियों, ये इसे कहते हैं सिर भेंट यहाँ पर। और यहाँ पर मतलब जो भी है सासू ननद जेठानी मतलब बूढ़े सासू जितने भी यहाँ पर लेडीज़ लोग हैं, तो लेडीज़ लोगों के साथ जेंट्स लोगों को भी यहाँ पर एक एक गिफ्ट के रूप में साड़ी सूट मतलब ऐसे कुछ दिया जाता है। तो ऐसा पहाड़ों में चलता हुआ आया है और आज भी चल रहा है। तो आशीर्वाद लेते हुए दूल्हे राजा यहाँ पर अपने से बड़ों का सभी का तो लगभग अब सभी रस्में रिवाज मतलब जितने भी वैवाहिक कार्यक्रम थे सभी पूर्ण हो चुके हैं। अब यहाँ पर बस विदाई की तैयारी और बारात की वापसी की तैयारी है साथियों। और देख सकते हैं आप लोग सुंदर डोली सज चुकी है, बस अब कुछ ही लम्बों में मेरी दीदी डोली में होगी और उसकी यहाँ से विदाई होगी। और आ गई है दीदू। तुम फूंडे लगने मैं उड़ चुकी है यहाँ पे दीदी की डोली और यहाँ पर ये विदाई का अंतिम नज़ारा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और सभी गांववासी देखिए आप लोग विदाई में इस डोली के साथ दीदी को छोड़ते हुए जाते हुए। और बस साथियों यहाँ तक का ये सफ़र हमारा इस वीडियो के माध्यम से। और यहाँ पर पूरी विदाई में मेरी दीदी अभी पहली बार रो रही है इस तरीके से। और पूरी इस विदाई में सबसे भावुक लम्हों को मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ साथियों, क्योंकि अभी मौसा जी यहाँ पर आशीर्वाद देंगे दीदी को। तो मौसा जी को देख के दीदी अभी रो रही है क्योंकि पिता तो पिता है ना, कहते हैं कि पिता का प्यार बेटियों के लिए सबसे ज़्यादा होता है, तो इसीलिए शायद। पर आशीर्वाद दीदी और जीजू ने ले लिया है। अब चलिए दीदी यहाँ पर गाड़ी में बैठ के अपने ससुराल देहरादून की ओर। साथियों डोली विदाई हो चुकी है और हम लोग अब देहरादून के लिए जा रहे हैं दीदी के साथ। तो पार्ट टू में मैंने आप लोगों को बताया यहाँ जो बारात आई थी और जो यहाँ
जो भी था यहाँ जितने भी कार्यक्रम थे वो आप लोगों को दिखाए। अब हम लोग जा रहे हैं देहरादून और वहाँ है पार्टी, रिसेप्शन पार्टी, तो वहाँ अब जो भी होगा आप लोगों को पार्ट 3 में दिखाया जाएगा। तो तब तक आप लोग पार्ट 2 का इन्जॉयमेंट ले और सफ़र का आनंद ले सूरज भाई के साथ।